शिवदेव मौर्य जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। ये जो लगातार आप सियासी तीर छोड़ रहे हैं, इसे हार की बौखलाहट करें कहें या फिर व्यक्तिगत खींच? नहीं, हार का दुख कह सकती हैं कि हार का दुख है और हम बेहतर कर सकते हैं, उतना नहीं कर पाए, तो दुख तो हमेशा रहेगा ही कि हम कर सकते थे, हम जीत सकते थे चुनाव, और अगर हम प्रयास करते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते थे। जनता में नाराजगी थी, कोरोना काल में जो अन्याय हुआ था उससे लोग नाराज थे, महंगाई से नाराज थे, किसानों के खेतों में सांड घुसकर उनकी फसल चौपट कर रहे हैं उससे भी लोग नाराज थे, व्यापार चौपट हुआ था उससे नाराज थे, और उसके वोट हमारे पक्ष में था, लोग मतदान करना चाहते, लेकिन हम लोगों ने, हमारे प्रत्याशियों ने उतनी मेहनत नहीं की और उतना वोट लेने का प्रयास नहीं किया जितना करना चाहिए। केशवदेव मौर्य जी, आपको नहीं लगता कि आते आते हुजूर बहुत देर कर दी आपने? अगर ऐसी चीजें थी तो आपने क्यों नहीं कहा था? समाजवादी पार्टी को इत्तला की थी आपने इस बात की कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए आप सभी लोग? अब ये सच है कि मैं अखिलेश यादव जी से नहीं मिल पाया क्योंकि उस समय व्यस्तता बहुत थी उनकी भी और मेरी भी, हम अखिलेश यादव जी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी के जिले स्तर के पदाधिकारी जहां जहां मुझे मिले, प्रत्याशी जिनसे मुझे मुलाकात हुई, मैंने कहा कि थोड़ा सा गंभीरता और रखिए, भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो पहले से वोट कटवा के बैठे हमारे समाजवादी पार्टी समर्थकों का, महान दल के समर्थकों का और गठबंधन के समर्थकों का, उन्होंने हर बूथ पर 200-500 वोट कटवा दिया, वो वोट जो हमारा था वो वोट कट गया है, तो हमें उसकी पूर्ति के लिए दूसरे विकल्पों पर प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर तरह से चुनाव जीतने में लगी थी, हर वो तरीका अपना रही थी, और ठीक है, यानी आप ये मान रहे हैं कि आपकी जो रणनीति थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई, और इसका सीधा जो आप खामियाजा, सीधा जो आरोप आप लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। हीरो वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं। हीरो वाजपेयी जी, देखिए आप तो चुनाव जीत गए, लेकिन जिस गठबंधन का जोर दिखाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, उस गठबंधन में अब गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है, और आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपने जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य को भेज दिया समाजवादी पार्टी में। देखिए, ये आपसी में इनकी जातिगत द्वेषता है, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। जो लोग उधर गए और जो लोग उनके सिंबल से चुनाव लड़े, उनके पास जाके लड़े, और जैसा कि अभी महान दल के अध्यक्ष कह रहे थे कि जनता में नाराजगी थी, जनता में नाराजगी जरूर थी लेकिन परिवारवाद के खिलाफ थी। इनके पास भी 2 सीटें मिली थी, किसको लड़ाया इन्होंने? इन्होंने क्या अपनी कौम को पूरा अवसर दिया? पत्नी और पुत्र लड़ा दिया, जनता ने नकार दिया। वही हाल उधर भी हुआ कि जो लोग उनके लड़ने वाले थे, जो लोग उनके बीच में थे, उनके प्रति नाराजगी थी, और लगातार अखिलेश जी 12 में उनको पिताजी ने सत्ता दी थी, 14 में उनका टेस्ट हुआ हार गए, 17 में उनका टेस्ट हुआ हार गए, 19 में जनता ने नकार दिया, और 22 में पुनः उसकी पुनरावृत्ति हुई। जनता ने उनके नेतृत्व को सिरे से खारिज कर दिया है, और ये कहना, ये तो सरफुटवल होनी ही थी इन दलों में, और आगे अभी और देखिएगा, कोई कहीं छोड़कर भाग जाएगा तो कोई कहीं छोड़कर भाग जाएगा, और अखिलेश जी के सारे लेबोरेटरी के टेस्ट ऐसे ही हुए। राहुल जी से किया, 2 लड़कों का साथ है, साइकिल टूट गई, हाथ भी टूट गया, फिर बुआ बबुआ में हो गई, हाथी साइकिल पे चढ़ गया, साइकिल चकनाचूर हो गई, हाथी ने खारिज कर दिया, और अभी एक जो नया प्रयोग किया इन्होंने जातियों का, तो आज आप महान दल के अध्यक्ष के मुंह से जो वक्तव्य आ रहे हैं उससे समझी सकती हैं कि आगे आने वाला भविष्य क्या है। जल्दी आपको ये छोटे छोटे दल सपा पर और तोहमत लगाते हुए उनसे किनारा करते दिखेंगे। उन्होंने कह दिया चुनाव बीच में मेरी अखिलेश यादव से बात ही नहीं हो पाई, तो साहब होनी क्या थी? उन्होंने 2 सीट आपको दे दी और आपने अपने पत्नी बच्चा लड़ा लिया, आप 2 सीटों पर लड़ रहे थे, जनता ने आपको नकार दिया। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, देखिए आप तो जीत से गदगद हैं, और जाहिर सी बात है कि अब आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है समाजवादी पार्टी के लिए। अनुभव, आपके पास मैं आऊंगी, जिस तरीके से सियासी बयानबाजी अब चल रही है, क्या सीधे तौर पर समझा जाए कि अब जिस गठबंधन का जोर दिखाया जा रहा था उस गठबंधन में गांठ पड़ गई है? अनुभव, देखिए ये तो पहले से ही चर्चा थी इस पूरे उत्तर प्रदेश में कि ये जो गठबंधन हुआ है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, अगर परिणाम अनुकूल नहीं आए तब तो ये
बिखरेगा। और देखिए अभी 10 तारीख को नतीजा है और आज आप देखिए 15 तारीख है और ऐसे में 5 ही दिन के भीतर इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। सहयोगी दल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से हमने सुबह पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमें तवज्जो नहीं दी गई और हमारी जगह दूसरों की तवज्जो दी गई, हमारी जनसभाएं लगाई नहीं गई, प्रत्याशियों ने हमको मांगा, हमारा प्रचार मांगा कि जनसभा हमारी लगे लेकिन हमारी जनसभाएं नहीं लगाई गई। तो शायद इनको इस बात से भी नाराजगी है कि इनको जो वैल्यू नहीं मिली और इनकी जगह दूसरे यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्यादा पार्टी ने इस्तेमाल किया, ये भी एक वजह है। एक महत्वपूर्ण बात जो केशव देव मौर्य ने कही, उन्होंने ये कहा कि शायद प्लांड वे में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में भेजा। अब अगर मान लीजिए इतनी प्लानिंग बीजेपी कर रही तो क्या समाजवादी पार्टी में जो रणनीतिकार थे वो इस चीज को सही नहीं समझ पाए? और क्या अगर केशव देव मौर्य को ये लग रहा था तो उन्होंने कभी अखिलेश यादव को ये कहा कि इससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है? इसका जवाब तो केशव देव मौर्य ही देंगे, लेकिन ये जरूर है कि वो केशव देव मौर्य जो बात कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। उन्होंने आज यही कहा कि अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी दो कुछ दिनों में तो वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे, यानी वो विचार कर सकते हैं कि किसी और के साथ जाया जाए। बिल्कुल, और देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने बात करने की कोशिश अखिलेश यादव से नहीं मैं कर पाया क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाई, हालांकि जिला स्तर पर उन्होंने जरूर इस बात की सूचना दी थी।